अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द बेस एकेडमी एंड द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बीएस फिज़िक्स एंड बीएससी। तो जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर तक पहुंच चुके हैं, और आई होप सो कि आपको पिछली वीडियो सारी समझ आ चुकी होंगी। अगर अभी भी आपको कोई वीडियो जो है उसमें कोई इशू है या किसी भी टॉपिक के अंदर कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, जिस तरह के लास्ट जो इससे पिछली रिसेंट वीडियो है उसके अंदर हमने बात की थी सेमीकंडक्टर के ऊपर, और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक सेमीकंडक्टर अपने अंदर किन किन प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्ट करवाता है या रखता है। तो असल में वो जो हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था वो इंस्ट्रिंसिक की ही किस्म है, या क्या लेंगे इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर चूँकि कन्फ्यूज नहीं करना था, सेमीकंडक्टर को समझना मकसद था, तो इसलिए हमने वहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात नहीं की। इसको भी समझने से पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँगा। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर जो है, कंडक्शन के हवाले से सेमीकंडक्टर ही क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि कंडक्टर जो होता है आपके पास, कंडक्टर की मेटल भी हो सकती है विच हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4। तो ये क्या करता है, अपने अंदर से एसी करंट को पास करवा करने देता है। मतलब है इसके अंदर क्या है कि बोथ वे डायरेक्शन के अंदर जो है वो करंट पास कर सकता है। ये मैंने आपको इस इलेक्ट्रॉनिक की वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी अच्छे से। तो नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इंसुलेटर पर बात करते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है जी आपके पास, सॉरी, इसमें लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें ग्रेटर देन थे इंसुलेटर के अंदर। इंसुलेटर में क्या होगा जी, आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डैट शुड बी ग्रेटर देन 4। कंडक्टर के अंदर क्या होगा जी, लेस देन 4। तो ये क्या करता है इंसुलेटर, अपने अंदर से ना एसी करंट को गुजरने देता है और ना ही डीसी करंट को, यानी ये किसी करंट को भी अलाउ नहीं करता अपने अंदर से, कंडक्शन कोई भी सिग्नल नहीं जाने देता। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने अंदर से, ये यूनिडायरेक्शन है, ये अपने अंदर से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को जो है वो ट्रांसमिट करवा सकता है, इससे ज़्यादा डायरेक्शन में ये करंट को अलाउ नहीं करता। अब सेमीकंडक्टर की जो आगे टाइप्स आती थी हमारे पास, किस कैटेगरी में ये डिवाइड होता है जी, वो आपके पास है जी इंट्रिंसिक, और दूसरी है जी आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक्सट्रिंसिक के ऊपर आते हैं। एक्सट्रिंसिक जो है ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है, दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, एक पी टाइप होती है और एक जो होती है वो एन टाइप होती है। ये हमें कैसे हासिल होते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो इंट्रिंसिक की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या है जी इसके एग्जाम्पल हैं। तो पिछला जो आपने लेक्चर लिया वो सारा जर्मेनियम और सिलिकॉन के ऊपर ही था, तो इट मीन्स डैट कि आपने अच्छी खासी डिस्कशन कर ली है इंट्रिंसिक के ऊपर। अब उसके अंदर हम चेक करेंगे कि कंडक्शन कैसे होती है, और होल उसके अंदर जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है वो कैसे बनता है, और कंडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे वकूफ पजीर होता है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि देखें ज़रा, इसमें वो बता रहा है कि इट इज़ अ प्योर फॉर्म, ठीक है जी, कि इसके अंदर आप किसी तरह की मिलावट नहीं करेंगे, कोई चीज़ भी आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है जी, ये प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है जी, एक तो प्योर होगा, दूसरे नंबर पे अनडोप्ड होगा, ठीक है जी, आपने इसके अंदर किसी चीज़ की डोपिंग नहीं की होगी, कि कोई दूसरा मटीरियल इसके अंदर ऐड नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एक टाइप है। अब इसके अंदर जो है, जो आपके पास करंट कैसे इसमें फ्लो करता है या कंडक्शन कैसे हो पाती है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक पूरा का पूरा जो है वो एक क्रिस्टल बनाया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, और ये सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसको मैंने यहाँ पे लिया है। इस क्रिस्टल को मैंने अटैच कर दिया जी बैटरी के साथ। अब बैटरी के साथ जब भी मैंने इसको अटैच किया तो मेरे पास दो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होंगे। एक सिनेरियो वो कौन सा है जी, जब आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, या टेम्परेचर बिलो द जीरो केल्विन, जीरो केल्विन से इक्वल या उससे कम टेम्परेचर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, आप जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन होल, यू कैन नॉट सी एनी सिंगल होल एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम के अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या होल को
नहीं देख सकते, ठीक है जी। आपको कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं होगा तो कोई भी करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर सकेगा, तो फिर कैसे हमें करंट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जी आप रूम टेम्परेचर पर आपको कोई इलेक्ट्रॉन ना मिले। यहाँ पे जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि आउट ऑफ 10 raised power 10 एटम्स किसी भी क्रिस्टल के अंदर में से सिर्फ एक एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक एटम, और वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री करता है। तो फर्ज कर लें जी यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ जी, ये आ गया जी, उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन वो वाला आ गया, एक वो ये वाला आ गया। इतने सिलिकॉन जो हैं आपके पास, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको सिलिकॉन एटम्स, इनमें से सिर्फ मैं सपोज कर लूँ कि यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा कि जैसे आप बैटरी के साथ अटैच करते हैं, यहाँ पे मैं स्विच लगा देता हूँ, एक ये स्विच है मेरे पास, जैसे आप इसके स्विच के साथ आप इसको अटैच करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है बैटरी की, इधर से पॉजिटिव पोलैरिटी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब तीन इलेक्ट्रॉन है, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि ये कितना को करंट होगा, इट इज़ नेगलिजिबल करंट, और ये हम मेजर भी नहीं कर सकते, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना थोड़ा इतना स्मॉल करंट होगा जिसको हम बड़े आसानी से इग्नोर कर देंगे, ये निगलिजिबल कहलाएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन तब बनती। अब आप क्या करते हैं, आपने टेम्परेचर क्या किया जी, 300 केल्विन तक ले गए, यानी अबव द 0 केल्विन, मतलब आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा दिया। जैसे आपने 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाया तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं इन सिलिकॉन एटम्स के, ये टूट जाएंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वन बाय वन करके ये बॉन्ड्स क्या होते जाएंगे, ये टूटते जाएंगे। अब जैसे ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो क्या होगा, हर बॉन्ड वैलेंस जो आपके पास वैलेंस जो शेल है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ देगा, एक वैकेंसी छोड़ देगा, जिसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे लेकिन एट द सेम टाइम वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही नहीं इस बाहर निकलेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएंगे, लेकिन उस सिंगल इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको अच्छी खासी इंट्यूशन मिल जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पहला सिनेरियो था जी बिलो 0 केल्विन, दूसरा सिनेरियो जी आपके पास अबव देन 0 केल्विन, तो क्या होगा, मैं कहता हूँ जी जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, टेम्परेचर आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट आपने इसका बढ़ा दिया, तो होगा क्या, यहाँ से एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देखें जी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, यहाँ पे आएगा और अपने पीछे क्या छोड़ देगा, एक होल छोड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फर्स किए मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखें तो यहाँ पे देख आपके पास, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन था, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, उसका कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इसको हम नाम देंगे फिर जी, ये क्या है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये अट्रैक्ट कर लेगा कौन, ये बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी, क्योंकि आपने इसको बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। ये फर्ज करें जी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, अब अपने पीछे ये छोड़ गया एक वैकेंसी, वैकेंसी छोड़ गया मतलब ये कि इसको फिल करना लाजमी है, और ये जो वैकेंसी है इसको हम नाम देंगे होल का नाम देंगे, किसका नाम देंगे जी, होल का। अब होगा क्या कि इस होल को फिल करने के लिए यहाँ पे जो एटम इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और इस होल आके क्या कर देगा, फिल कर देगा, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे फिर होल बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पे होल बना, इधर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा और इस होल को फिल कर देगा, ये तो फिल हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उसी वक्त यहाँ पे एक होल बन गया। अब होगा क्या कि इसको फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इधर से इसको फिल कर देगा, तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा। इस होल को फिल करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और अपने पीछे होल छोड़ जाएगा। ये सिलसिला क्या होगा, ये इसी तरह चलता जाएगा। ये देखें, ये इसको फिल करने आया, यहाँ से इसको फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप किया और इधर आ गया, इसको फिल कर दिया इसने और अपने पीछे क्या छोड़ गया, वैकेंसी या होल छोड़ गया। ये देखें जी यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके इसको फिल कर देगा और अपनी जगह खाली छोड़ देगा, यानी उसकी जगह पे क्या रह जाएगा, होल।
ये क्या होगा जी, ये यहाँ पे इसको फिल कर देगा और अपने पीछे क्या छोड़ देगा, हत्ता कि ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच जाएगा कि आपके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसकी जगह फिल कर देगा और ये अपने पीछे क्या छोड़ देगा, एक होल, और यहाँ पे इस होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इसको क्या कर देगा जी, फिल कर देगा। अब जैसे ही ये होल बैटरी की नेगेटिव पोलैरिटी यानी क्रिस्टल से बाहर नेगेटिव कॉन्टैक्ट के साथ जैसे ही जाएगा तो उसी वक्त क्या होगा, उतनी देर तक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है और ये क्या करेगा, इसको दोबारा से फिल कर देगा इस होल को और ये दोबारा रिकम्बाइन हो जाएंगे। जिस वक्त ये रिकम्बाइन हो रहे थे उसी वक्त क्या होगा कि यहाँ पे फिर से एक क्या हो जाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के फ्री हो जाएगा, फिर उसी तरह से बैटरी इसको खींच लेगी, ठीक है जी, और ये सिलसिला क्या होगा, इस तरह चलता जाएगा। अब यहाँ पे आपने गौर किया कि जो इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने खींचा था वो इस तरह था, इधर को गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियर आपको बताया कि होल देखा आपने कि किस तरह इस तरफ मूव कर रहा था। मतलब ये हुआ कि दोनों की जो मूवमेंट होती है, दोनों की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, डिफर करती है एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ और होल जो है वो मूव करता है किधर, नेगेटिव पोलैरिटी के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर आपके पास जो है ये करंट इस तरह कंडक्ट करेगा, ये इस तरह से करंट इस पूरे क्रिस्टल के अंदर फ्लो करेगा। अब क्या होगा कि ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हुए क्या करेंगे, इस पूरे कंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक हो गया। मतलब ये कि आप पहली बात तो ये कि एक तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्शन है। दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करती है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डेंसिटी क्या रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब हम इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था उस करंट को हम नाम देंगे जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट का नाम देंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट, आई से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। ये किसके बराबर होता है जी, ये सम ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो करंट होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी होल्स की वजह से जो करंट बन रहा है वो क्या है जी, उसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी आई एच, और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है करंट उसको मैं क्या कह देता हूँ जी आई एन से डिनोट कर देता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट इज इक्वल टू होगा सम ऑफ होल करंट प्लस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट भी जिसको कहते हैं जी। तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो किधर से मूव करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन मूव करता है जी पॉजिटिव पोलैरिटी से किधर को जाएगा जी, नेगेटिव की तरफ। लेकिन आप जो करंट की डायरेक्शन लेंगे कन्वेंशनली वो किधर से लेंगे जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बाय कन्वेंशन, कुछ इस तरह से। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो होल की डायरेक्शन है वो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू किधर रहेगी जी, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो किधर को रहेगी जी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि आप बार बार इसको, आपने अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आए हैं तो आप उसको क्या करेंगे कि आप उसको चलाने से पहले उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। या आपने कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप लेके आए हैं उसको, तो आपने ये नहीं किया कि उसको सबसे पहले जी गर्म किया और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट अ कन्वीनियंट वे टू यूज़ एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले भी अब इसी के से रिलेटेड हम यहाँ पे एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंगली इसको देख लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा जी, इसका सबसे पहले सिनेरियो के अंदर जब रूम टेम्परेचर बिलो द जीरो केल्विन होगा तो यहाँ पे इसका जो वैलेंस बैंड होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, और इसका जो कंडक्शन बैंड होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट एम्प्टी होगा। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा जी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जी, जंप करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे आ जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर और ये कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। अब इन दोनों के दरमियान एक नया एनर्जी लेवल भी क्रिएट होता है, डेवलप होता है, जिसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं। इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे एक्सट्रिंसिक के अंदर, तो हम उसी की तरफ चलते हैं जी। जिस तरह मैंने अभी बात की कि आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप क्या करेंगे कि हम ये अच्छा सुनने, इट्स साउंड नॉट गुड कि आप पहले किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लाएंगे जी, या आपको मटेरियल होगा आप उसको पहले गर्म करें, गर्म करने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें, नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग।
तो फिर आप क्या करते हैं जी, हम फिर उसके अंदर क्या करते हैं, मिलावट, डोपिंग करते हैं, डोपिंग का अमल आप उसके अंदर करते हैं, ठीक है। हम डोपिंग करने की वजह से क्या, किसके अंदर डोपिंग करते हैं, इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, मतलब इसके अंदर हम मिलावट कर देते हैं। वो मिलावट किस शक्ल में होती है कि हम कोई भी दूसरा मटेरियल जो है जिसका वैलेंस शेल डिफरेंट हो सेमीकंडक्टर से, उसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसकी पूरी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। किस तरह से जी, अभी मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जी एक्सट्रिंसिक के अंदर आप डोपिंग करेंगे, डोपिंग करने के अमल से आपको क्या होगा, दो तरह के मटेरियल हासिल होंगे, एक पी टाइप और दूसरा क्या होगा जी, एन टाइप। तो ये हमारे पास है जी, एक्सट्रिंसिक की डेफिनेशन क्या है कि जी, इज़ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है जी, ना खालस चीज़, मतलब इसको हम कह सकते हैं जी, एडेड टू द प्योर सेमी कंडक्टर। प्योर सेमी कंडक्टर के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो एक नया मटेरियल बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं जी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी। अब इससे आगे क्या होगा जी, एक आपको यहाँ से हासिल होता है जी एन टाइप और दूसरा यहाँ से क्या हासिल होता है जी, पी टाइप। पहले हम एन टाइप को देखते हैं जी। एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप के अंदर जो है वो हम डोपिंग करवाते हैं, किसकी किसकी डोपिंग करवाएंगे, किसी भी पेंटावेलेंट एटम की या किसी भी पेंटावेलेंट मटेरियल का जो एटम है उसको हम, या उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर कौन सा, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन दोनों में से किसी एक के अंदर हम क्या करेंगे, इस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। तो उसको हम समझते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे देखें, मेरे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल का मैंने एक पार लिया जिसमें क्या है जी, पांच एटम नज़र आ रहे हैं सिलिकॉन के। जो आपके पास सेंटर वाला एटम है वो अब चार नेबरिंग सिलिकॉन एटम से सराउंडेड है और यहाँ पे इनका जो एटॉमिक जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो चार होंगे जी। इसके भी क्या होंगे जी, ये चार होंगे, इसके भी क्या होंगे जी, ये चार होंगे, नीचे वाले के भी कितने होंगे जी, ये चार इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे जो सेंटर वाला है इसके यहाँ पे इजाफा हो जाएगा, इसके भी चार हैं जी, 1 2 3 और ये 4। सेंटर वाला अपने चार इलेक्ट्रॉन बाकी नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि पेंटावेलेंट जो ग्रुप है, पांचवा जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इसकी चले फैमिली हम डिजिटल मीडियम के जरिए देख लेते हैं जी। तो अभी आपने इस पेंटावेलेंट जो है या ग्रुप फाइव के जितने भी एलिमेंट थे आपने देखे कि सभी का जो वैलेंस शेल है उसमें पांच पांच इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में। तो आप क्या करते हैं, उन इस जितने भी आपने भी सीरीज देखी है एलिमेंट्स की, आप क्या करते हैं उनमें से किसी एक एलिमेंट को उठाते हैं और आप इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में या उसकी डोपिंग आप कर देते हैं उसको, यहाँ पे उसकी कुछ परसेंटेज सम रेशो है जिसको आप क्या करते हैं इसमें मिला देते हैं। तो क्या होगा कि सेंटर में मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो है जी एंटीमनी। एंटीमनी जो है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इसको मैं क्या करूँगा, ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन है, सिलिकॉन सेंटर वाले को हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटीमनी को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक होगा। अब चूँकि सिलिकॉन के तो चार थे लेकिन इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो पाँच हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भी शामिल हो जाएगा। समझ आ गई बात। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अक्सर ये कहा जाता है ये फ्री हो जाता है, नहीं फ्री फौरन नहीं होगा, ये बात ठीक है कि ये फ्री होगा क्योंकि बैलेंस शेल तो फिल हो चुका, आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके पूरे, लेकिन ये क्या होगा कि ये इतना लूजली बाउंड होगा, इतना लूजली बाउंड होगा कि ये रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा अगर टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा, ये अपने बैलेंस शेल से अलहदा हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वैलेंस शेल पूरा हो चुका तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और इसको हम क्या नाम देंगे जी, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। अभी गौर करें जरा, हमने टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बढ़ाया, सिंपल हमारे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल था उसके अंदर हमने एक एटम डाल दिया किसका, एंटीमनी का, और वैलेंस जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, एक ज़्यादा था वो बाहर आ गया और उसको हमने किसका नाम दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उस, ठीक है, उसको हम नाम देंगे डोनर एटम का नाम देंगे। यहाँ पे एंटीमनी क्या काम करेगा, ऐसा डोनर एटम के तौर पे काम करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा कि आपको यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एक लिया, जितने ज़्यादा यहाँ पे एंटीमनी ऐड होते जाएंगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते आएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा तादाद में मिलेंगे, ज़्यादा सैचुरेशन में मिलेंगे,
ज़्यादा डेंसिटी में मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, आप उनको क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। और वो कौन है जी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर क्या होंगे जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होंगे। यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन ये पूरे क्रिस्टल के अंदर कुछ कुछ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे कुछ होल प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो इसी तरह जिस तरह पहले हमने इसको डिस्कस किया था और इसके अंदर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे, उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे होल भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही कम तादाद में होंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा। अब इस लिहाज से तो हमने इसको देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं जी एनर्जी बैंड। लास्ट जो अभी मैंने बात की थी फर्मी लेवल की, वो फर्मी लेवल हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखें, मेरे पास एक तो बन रहा था वैलेंस बैंड, दूसरा क्या बन रहा था, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो मैंने यहाँ पे शो करवा दिए, एक सिलिकॉन के लिए, ठीक हो गया। ये सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए आपके पास ये है कि वैलेंस बैंड पहले क्या होता है, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, ठीक, या उससे बिलो होगा, जीरो केल्विन से नीचे, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर आपको ये जो बैंड है ये कम्प्लीटली फिल्ड नज़र आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, आपने अभी एक एंटीमनी को ऐड कर दिया, आपने डोपिंग कर दी। जैसे ही आपने डोपिंग की है, डोपिंग करते ही आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अभी तो आपने हीट भी को नहीं दी और आपको इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप बाहर आ चुका है, इसके लिए भी तो हमें यहाँ पे एक एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, अभी कंडक्शन बैंड में गया नहीं, लेकिन ये क्योंकि बड़ा लूजली बाउंड है, किसके साथ, ये अपने एटम के साथ बड़ा ही लूजली बाउंड है, ठीक है, इतना लूजली बाउंड है कि इसको हम मान लेते हैं जी ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। तो अभी अगर ये पूरी तरह से आज़ाद नहीं है तो फिर हम इसको कंडक्शन बैंड में भी नहीं डाल सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि हम कंडक्शन बैंड के बिल्कुल करीब हम यहाँ पे एक नया लेवल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और इसको हम कहते हैं जी फर्मी लेवल। ये हमारे पास होता है जी फर्मी लेवल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स और बिटल्स के अंदर, या और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें या क्वांटम स्टेट्स की बात करें तो उसके ऊपर एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है इसकी विद मैथमेटिकल डेरिवेशन। लेकिन हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की डोमेन में रहना, तो सिर्फ यहाँ आज इतना ही आपके लिए समझना ज़रूरी है कि फर्मी लेवल बैंड्स के अंदर क्या होगा या एन टाइप के अंदर क्या काम करता है। तो जैसे ही अब यहाँ पे एक बन चुका है एक नया लेवल, तो जितने भी ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनेंगे आप क्या करेंगे, उनको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब गौर कीजिएगा ज़रा, आपके पास क्या होगा कि जितने भी सिलिकॉन एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद हैं, उनके इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट, अपने ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद हैं, फील्ड हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो किसका था, वो एंटीमनी का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहले ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड था वो इसी तरह से ऑलमोस्ट ही फिल्ड रहेगा। तो फिर कंडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कंडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो एंटीमनी ने दिए हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे इस बैंड एनर्जी लेवल डायग्राम में ये फर्मी लेवल के ऊपर मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यही आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और अपने पीछे यहाँ पे ये क्या करेंगे जी, होल क्रिएट कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास है जी एंटी मटेरियल, जिनको हम डोनर इम्प्योरिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट अपने एन टाइप के बाद हम आते हैं जी पी टाइप की तरफ। लेकिन पी टाइप को भी समझने से पहले इसके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो ट्राइवेलेंट ग्रुप से होगी और उसकी तरह डिजिटल मीडियम पर आके देखें कि उस फैमिली में कौन कौन बिलोंग करता है जी। तो अभी आपने देख लिया कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके वैलेंस शेल में आपने देखा कि तीन ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो यहाँ पे जिस मेरे पास फिर उसी तरह से सिलिकॉन एटम है और उसी तरह से मेरे पास उस सिलिकॉन एटम के लिए क्या होगा जी, हर सिलिकॉन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होंगे, इसके लिए भी चार, इसके लिए भी चार, इस वाले के लिए भी चार, यहाँ पे भी फोर होंगे, इधर भी फोर होंगे, यहाँ पे भी फोर, यहाँ पे भी फोर। अब होगा क्या, यहाँ पे जो दरमियान वाला इसके भी फोर होंगे, वन टू थ्री और ये फोर, कंप्लीट हो गया जी, ओके।
उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन है इसको हटा देंगे और यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जी, बोरॉन को। बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 1, 2 एंड 3। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो इसके तो पहले जो आपके पास सराउंडिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये शेयर कर रहा है एक, ये तो चार हैं और ये इनका जो इलेक्ट्रॉन भी होंगे वो कितने होंगे जी, चार होंगे। चार होने के बाद आपने करवा दी जी बोरॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस, तो बोरॉन के पास कितने हैं जी, तीन, इनके चार और इसके तीन कितने हो गए टोटल, सात। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई अब, ठीक हो गया जी, यहाँ पे एक वैकेंसी बन चुकी है। इस वैकेंसी को हम जो है यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, ये होल, ये आपके पास क्या कहलाएगी जी, होल कहलाएगी। अब ये आपके पास जो होल बन चुके हैं इसको फिल करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे और इसको फिल करेंगे। उसमें हमने इसको अच्छे खासा समझ लिया, लेकिन मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन फिर भी यहाँ पे इन होल्स की वजह से अब फ्लो करेंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास, इसके लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम को समझ देंगे, यहाँ पे पहले बैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, क्योंकि अब होल्स की बात हो रही है तो जो फर्मी लेवल बनेगा वो फर्मी लेवल बनेगा जी आपके पास इस वैलेंस बैंड के करीब बनेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या मौजूद होंगे जी, होल मौजूद होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे तो इन होल्स को क्या कर देंगे, ये सबसे पहले इनको फिल करेंगे और अपने पीछे ये क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, होल छोड़ जाएगा और इसको फिल कर देगा, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से क्या रहेगी कि ये आपके पास कंडक्शन हो पाएगी। अब दोनों केसेस के अंदर जो सिलिकॉन एक्चुअल एटम है, आप जो जिन जो ओरिजिनल हालत में थे सेमीकंडक्टर के, उनके वो एटम जो हैं वो क्या रहेंगे, वो न्यूट्रल ही रहेंगे। मतलब है कि उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेशन कहाँ से होगी, पार्टिसिपेशन होगी जो हमने एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की उसके इलेक्ट्रॉन करेंगे, और जो पी टाइप के अंदर हमने ट्राईवेलेंट ग्रुप से एक इंप्यूरिटी ऐड की उसके होल की वजह से यहाँ पे कंडक्शन का अमल होगा, ठीक हो गया जी। तो इस ये हमारे पास था जी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, और वो था हमारे पास पी टाइप। एन टाइप डोनर इंप्यूरिटीज़ कहलाता है, पी टाइप आपके पास एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज़ कहलाता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है होल के हवाले से, अक्सर बच्चे जो हैं इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। देखें, होल जो है वो आपके पास होल प्रोटॉन नहीं होता, सबसे पहली बात हम इसको ये नहीं कह सकते कि होल जो है वो प्रोटॉन है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर के होल पॉजिटिव चार्ज रखता है। हाँ, रखता ज़रूर है, लेकिन वो एक चार्ज वर्चुअल चार्ज होता है। क्या होता है जी, वो वर्चुअल चार्ज होता है, वो आपके पास कोई फिजिकल चार्ज उसके ऊपर नहीं होता। अब वो कैसे बनता है, आइए ज़रा देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन का ही एटम लिया इसको समझने के लिए, इस यहाँ पर डोमिनेंसी की बात हो रही है कि ज़्यादा तादाद में, ज़ाहरी बात है कि जो तादाद में ज़्यादा होगा ज़्यादा डोमिनेंसी भी उसी की होगी, ज़्यादा तसल्लत भी उसी का होगा। तो यहाँ पे देखें आप, तो सिलिकॉन के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। मतलब है कि ये तो मैंने कोर लिया ना, ये सारी सिलिकॉन यहाँ पे कोर है, ठीक है। इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन होंगे और एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, 14 ही इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बस हम मेन मैं इसको हीट देता हूँ इन दी फॉर्म ऑफ लाइट या किसी भी और सोर्स से, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा, एक होल छोड़ जाएगा। अब हम कहते हैं जी ये होल क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों रखता है, देखें सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज होगी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए जी, 13। ज़्यादा कौन है जी, प्रोटॉन कितने हैं, 14। डोमिनेंसी में कौन होगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये एटम जो है अब एक इलेक्ट्रॉन लेने की इस्तेदाद रखता है या एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जिस वजह से इसी वजह से हम कहते हैं कि ये होल एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है या उसको अट्रैक्ट करता है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी आपके पास कौन कौन से इसके अंदर मटेरियल हैं जी। आप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने देखा इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म जर्मेनियम और जर्मेनियम या सिलिकॉन की बात हम कर रहे थे, ग्रुप फोर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जितने भी ग्रुप फोर में होंगे वो सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हैं क्योंकि वो प्योर फॉर्म है। अगर आप उसके अंदर डोपिंग करते हैं एक एन टाइप बन जाता है और एक क्या बन जाता है, पी टाइप, जिसको हमने अच्छा ब्रीफली डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी खासी समझ आ गई होगी।
अगर अभी भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं. सी यू टिल नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.